नमस्कार किसान भाइयों, ये मैं मॉडल के लिए लौकी की नर्सरी डाल रहा हूँ। इसके लिए आप देख सकते हैं, ये पॉलीथीन है, ये है एक पॉलीथीन। ये 1 किलो पे लगभग 400-500 पॉलीथीन चढ़ जाती है, और ये इससे थोड़ी बड़ी है। अगर ज़्यादा दिन के लिए डालना है तो आप ये बड़ी वाली यूज़ कर सकते हैं। इस पॉलीथीन में आप ये साइज़ देख सकते हैं, ये साइज़ है इसकी। इसमें आपको क्या करना है, ये मैंने बची हुई गोबर की खाद और कोको पिट ली है, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करके फिर आपको जो है पॉलीथीन भरना है। ये देख सकते हैं, ऐसे मैंने ये भरी है पॉलीथीन। आपको आपके हिसाब से भरना है, जितने दिन रखना है उस हिसाब से। ये पॉलीथीन 120 रुपये केजी मिली है मार्केट में, और ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो ये वाली पॉलीथीन ले सकते हैं, और ज़्यादा दिन के लिए फिर इससे और बड़ी है। कम दिन के लिए रखना है तो आप ये ट्रे 108 खन की है, 104 खन की ये वाली ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मिर्ची और टमाटर के लिए यूज़ करते हैं हम। और ज़्यादा दिन के लिए, कम दिन के लिए रखना है, मीडियम दिन के लिए, तो आप ये डिस्पोजल का यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्पोजल में आपको नीचे ये देखिए हॉल करना है, जिससे पानी निकल सके। ये आप देख सकते हैं, ये चाय वाला यूज़ होने वाला डिस्पोजल है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये डिस्पोजल मैंने भर लिए हैं। ये देखिए, इनमें बीच में आप उंगली से या फिर किसी पेन की मदद से बीच में करना, जिससे आपको प्लांट इधर उधर ना हो। ये मेरी 15 से 20 दिन के लिए डाल रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें डाल रहा हूँ। उसके पहले मैंने ये पॉलीथीन में डाली, और कम दिन के लिए मिर्ची की ये मैंने ट्रे में डाली है। इसके बाद आपको क्या करना है, लौकी के बीजों को 48 घंटा के लिए पानी में भिगो के रखना है। फिर उसके बाद आपको ये सूती कपड़े में रख के गर्म कपड़े को ऐसे एयर टाइट करके प्लास्टिक के डिब्बे में ऐसे रखना है, ऊपर से इसको बंद कर देना है। फिर आपको इसको कहीं भी इन्वर्टर या गैस चूल्हे के पास रखना है, जहाँ हीट रहे, बनी रहे। उसके 3 दिन बाद आपको इसको निकालना है। 3 दिन बाद जब आप इसको निकालोगे तो ये अंकुरित होने लगेगा। आप ये रूट्स देख सकते हैं इस साइड भी, ये देखिए, ये देखिए आप, ये आप जर्मिनेशन होने लगेंगे रूट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, इन रूट्सों को ऐसे, बस ये ध्यान रखना रूट्स आपके टूटे ना। इसे एक एक को उठा के हल्के से ऐसे रखना है। उसके बाद आपको ऊपर से ये मिक्स बुरादा से ढक देना है। इसके बाद आपको इसमें ये लगाने के बाद ऊपर से पानी डाल देना है। डिस्पोजल में नीचे गड्ढा करने का ध्यान ना भूलें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा डालते हैं तो पानी
पानी नीचे से निकल जाएगा। इसके बाद 3 या 4 दिन में आप देख सकते हैं इस तरह से ये दो दो पत्ती निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मेरे ये निकलने हैं, अभी आप देख सकते हैं ये। फिर इसको आप धूप से बचाने के लिए ये ग्रीन नेट लगा सकते हैं, जैसे कि ये आप मेरा देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।